संतान संबंधी बाधा नाशक उपचार में हम जानेंगे कि किस प्रकार से होने वाली संतान को हेल्दी और किस्मत वाली प्राप्त हो सके, उसके लिए क्या क्या उपाय करने पड़ सकते हैं। हर प्रेग्नेंट महिला चाहती है कि उसके संतान अत्यंत ही प्रभावशाली हो। गर्भवती महिला के बारे में बतलाया गया है कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे अच्छी संतान प्राप्त की जा सकती है। पुण्यात्मा पुरुष के जन्म के समय अधिकांश ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं और कब संतान इस धरती पर जन्म ले उसका ठीक ठीक आकलन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए कुछ नियमों का पालन अगर हम करें तो हम एक अच्छे हेल्दी संतान को प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री के ऋतुकाल की प्रथम 4 रात्रियां रोगकारक मानी जाती हैं, इसलिए किसी प्रकार का स्त्री से संबंध निषिद्ध है। इसी प्रकार 11वीं और 13वीं रात्रि भी वर्जित बतलाई जाती है। इन 6 रात्रियों को छोड़कर बची हुई 10 रात्रियों में आप गर्भाधान के लिए समागम कर सकते हैं। उपरोक्त विधि से चयन की गई रात्रियों के अलावा से समय पति पत्नी को संयम से रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी का वीर्य ही श्रेष्ठ होता है और कामी पुरुषों का बीज उत्तम नहीं बतलाया जाता है। हमारे शास्त्रों में बतलाए गए अनेक उपायों में से एक उपाय उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु है गर्भ रक्षाम्बिकाय गायत्री मंत्र का जाप, जिससे संतान संबंधी बाधाओं का नाश होता हुआ बतलाया गया है। ओम गर्भ रक्षाम्बिकाय च विद्महे मंगल देवतायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम गर्भ रक्षाम्बिकाय च विद्महे मंगल देवतायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम गर्भ रक्षाम्बिकाय च विद्महे मंगल देवतायै च धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात्। गर्भ रक्षाम्बिका गायत्री मंत्र पाठ के बाद हर गर्भवती स्त्री को गर्भ रक्षाम्बिका सोष्ठ का भी पाठ करना आवश्यक बतलाया गया है। श्री माधवी काननस्थे गर्भ रक्षाम्बिके पाहि भक्तम स्तुवन्तम् वापि तटे वाम भागे वामदेवस्य देवस्य देवी स्थिता त्वम् मान्या वरेण्या वदन्या पाहि गर्भ स्तच्चन्तून् तथा भक्तलोकान्। श्रीमाधवी काननस्थे गर्भ रक्षाम्बिके पाहि भक्त स्तुवन्तम् श्री गर्भ रक्षा पूजेय दिव्य सौंदर्य युक्ता सुमंगल्य गात्री धात्री जनत्री जनानां दिव्य रूपं दयाद्रा मनोज्ञं भजे त्वं। श्रीमाधवी काननस्थे गर्भ रक्षाम्बिके पाहि भक्तं स्तुवन्तम् आषाढमासेषु पुण्ये शुक्रवारेषु गन्धेन गन्धेन लिप्ता दिव्याम्बरा कल्पवेशा वाजपेयारी याग्रस्तभक्तेषु द्रष्टा। श्रीमाधवी काननस्थे गर्भ रक्षाम्बिके पाहि भक्तम् स्तुवन्तम् कल्याणदात्री नमस्ये वेदिकाक्षस्त्रिया गर्भरक्षाकरीं त्वाम् बालेस्तदा सेविताङ्घ्रि गर्भरक्षातमारादुपे तेरुपेताम्। श्रीमाधवी काननस्थे गर्भ रक्षाम्बिके पाहि भक्तं स्तुवन्तम् ब्रह्मोत्सवे विप्रवित्यां वाद्यघोषेण तुष्टारथे सन्निविष्टम् सर्वार्थदात्री भजे अहम् देववन्देरपीड्यं जगन्मातरं त्वम्। श्रीमाधवी काननस्थे गर्भ रक्षाम्बिके पाहि भक्तं स्तुवन्तम् एतत्कृतं स्तोत्ररत्नं दीक्षितानां परामेण देव्याः संतुष्ट्यै नित्यं पठे दैयस्तु भक्त्या पुत्रपौत्रादिभाग्यं भवेत् तस्य नित्यम्। श्रीमाधवी काननस्थे गर्भरक्षाम्बिके पाहि भक्तं स्तुवन्तम् इति श्री ब्रह्म श्री अनंत रामा दीक्षित वर्य विरचितं गर्भरक्षाम्बिका श्रोत्रं संपूर्णम्। अगले
प्रकरण में हम कुछ अन्य उपायों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे।